Yes, students, in this peace treaty of Versailles, Versailles means the palace of France, in which representatives or delegates of Weimar Republic were invited. Why they were invited? They were invited to sign the agreement between winner countries and defeated countries. At that time, Britain, France, Russia, these countries were winner countries. And Germany, Austria, Hungary, and Turkey, these countries were defeated countries. So that's why when Germany defeated in the First World War, the delegates, you can say newly formed government, that was Weimar Republic. Weimar kyun kehte hain? Place ka name hai Weimar. And Republic kyun kehte hain? Because head of the country is elected for temporary time period. Aisi country jis country mein Republic jo hai, theek hai? Yani ki head of the country that is elected for temporary time period, so kya bolte hain? Weimar Republic. Clear? And when this treaty of Versailles was signed by these Weimar Republic delegates, when they came back, they were called November criminals, because this treaty was signed in the month of November. And why they were called November criminals? Because the representatives, delegates, they had no option. Unke paas koi option nahi tha. Earlier, before 1918, there was a monarchy form of government. But now, after defeating in the First World War, democratic form of government was constituted, and people thought that maybe democratic government could bring prosperity in the country, but that was not. ठीक है, उनका dream fulfill नहीं हुआ. That's why they considered Weimar Republic as November criminal. फिर इसमें बता देना आपने सारा laws that we have discussed last week. 13% territories आपने बतानी है. ठीक है, इसके अलावा आपने बताना है 75%, ठीक है, iron areas and 26% coal mines. These areas were taken away by the winner countries from the Germany. Percentage बताने के बाद फिर आपने बताना है compensation. कितने percent compensation या कितना compensation जो है इनके ऊपर impose कर दिया गया? 6 billion compensation was imposed on Germany that they had to pay as a war guilt clause. वॉर गिल्ट क्लॉज का मतलब क्या होता है? पूरी वॉर का जो गिल्ट है, गिल्ट का मतलब होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो जर्मनी के ऊपर और बाकी कंट्रीज के ऊपर डाल देगी, जिसको कहते हैं वॉर गिल्ट क्लॉज. ठीक है, इसके अलावा जर्मनी वॉज डीमिलिटराइज्ड. डीमिलिटराइज्ड का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ सोल्जर्स को रिड्यूस कर देना, या फिर उनके वेपन्स या वट एवर जो भी उनके पास आर्म्स एंड एमिनेशन था उसको इतना रिड्यूस कर दिया ताकि जर्मनी इन फ्यूचर कभी भी इन कंट्रीज के अगेंस्ट वॉर प्लान ना कर पाए. तो दैट वाज ऑल अबाउट ट्रीटी ऑफ वर्सा. एनी डाउट आर्यन? हाँ जी, यू वांट टू रिपीट? एनी डाउट बेटा? ऑनलाइन स्टूडेंट्स? नो? ओके. नेक्स्ट हमने किया इकोनॉमिक क्राइसिस, दैट वी हैव ऑल इकोनॉमिक क्राइसिस ऑफ 1923. वर्साई साइन करने के बाद जर्मनी जो है वो कंपनसेशन पे करने में बिजी हो गया. तो एक ऐसी कंट्री जिसको एक तरफ कंपनसेशन पे करना था, दूसरी तरफ अपनी कंट्री को भी डेवलप करना था, तो दिस वाज द रीजन व्हाई क्राइसिस हैड इन 1923. सेपरेट टॉपिक भी प्रिपेयर करो इसको. इकोनॉमिक क्राइसिस में आपने ये बताना है 1923 में जर्मनी में क्या हुआ. ठीक है, तो सबसे पहले आपने जब भी कोई भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आती है ना, हमेशा याद रखना 3 फैक्टर्स, पावर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट एंड राइजिंग प्राइसेस. ये हमेशा इकोनॉमिक प्रॉब्लम का मेन, अभी तक आपने जितने भी रेवोल्यूशन पढ़े, चाहे आपने फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ा, चाहे रशियन रेवोल्यूशन पढ़ा, ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आपने सब में पढ़ी ही. तो जब इकोनॉमिक क्राइसिस आते हैं कंट्री में तो क्या होता है? अनएम्प्लॉयमेंट, गवर्नमेंट जो है नेग्लेक्ट कर देती है एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर, बिकॉज गवर्नमेंट वॉज बिजी इन पेइंग द कंपनसेशन. गवर्नमेंट के पास जब मनी ही नहीं होगी तो हाउ दे कैन पे और हाउ दे कैन डिवेलप इन द कंट्री. ठीक है, एंड एट दैट टाइम फ्रॉम 1923 यू कैन से जर्मनी सरेंडर टू पे कंपनसेशन टू विनर कंट्रीज. जर्मनी ने सरेंडर कर दिया, हैंड्स अप कर दिए दैट दे आर नॉट इन एबल टू पे द कंपनसेशन टू द विनर कंट्रीज. अब प्रॉब्लम क्या आई? जर्मनी की हालत इतनी ज्यादा जो है वो क्रिटिकल हो गई थी कि उन्होंने क्या किया, उनके पास उन्होंने प्लान क्या किया, टू प्रिंट न्यू नोट्स इन द कंट्री. उन्होंने बिना सोचे समझे अपनी ही कंट्री में नए जो है वो नोट प्रिंट करना शुरू कर दिए. और आपको पता है जब गवर्नमेंट ये डिसीजन करती है ना सर्कुलेशन,
जितनी ज्यादा सर्कुलेशन होगी ना, इनडायरेक्टली इसका लॉस क्या होता है, इंटरनेशनल मार्केट में उस कंट्री की वैल्यू जो है वो डाउन हो जाती। ऐसा इनको अंदाजा नहीं था, और बिना सोचे समझे जब इन्होंने अपनी ही करेंसी को सर्कुलेशन यानी कि प्रिंट करना शुरू कर दिया, तो उससे क्या हुआ, इंटरनेशनल मार्केट में मार्क, जर्मन मार्क की वैल्यू जो है वो डाउन हो गई। जितनी वैल्यू डाउन हुई उतना ही इनको एक डॉलर के लिए मार्क ज्यादा देने पड़ेंगे, ठीक है। तो अल्टीमेटली कंपनसेशन एक तो वैसे ही वो पे नहीं कर पा रहे थे, दूसरी तरफ से ये प्रॉब्लम थी, तीसरी तरफ से अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी की प्रॉब्लम। तो ऐसे में जर्मनी का एक और एरिया रूहर दैट वाज टेकन बाय द विनर कंट्रीज। पहले राइनलैंड लिया था, उसके बाद कौन सा एरिया ले लिया, रूहर, जो कि कोल एरिया था, ठीक है। और आपने बताना है वैल्यू ऑफ करेंसी, मार्क की वैल्यू डाउन हो गई। इसके अलावा प्राइजेस राइज, यानी कि जो एसेंशियल गुड्स थी, एसेंशियल आइटम्स थी, उनके प्राइजेस बढ़ने लगे। और प्राइजेस इतने ज्यादा बढ़ रहे थे, जब प्राइजेस बढ़ते हैं तो उसको बोलते हैं इन्फ्लेशन। लेकिन जब प्राइजेस बढ़ने, यानी कि वन मंथ के बाद फिर बढ़ रहे थे, उसके बाद फिर बढ़ रहे थे, जैसे वीट प्राइस, शुगर प्राइस जर्मनी में, दैट कुडंट कंट्रोल, इनको कंट्रोल नहीं किया गया, इसको क्या बोलते हैं, हाइपर इन्फ्लेशन। तो ये भी सारा आपने इकोनॉमिक कंडीशन में आपने बताना है, ठीक है। और इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में जब जर्मनी की वर्ल्ड में कोई भी हेल्प करने को तैयार नहीं था, ऐसे में जर्मनी वॉज प्रोवाइडेड हेल्प बाय विच कंट्री, यूएसए। यूएसए ने क्या किया, जर्मनी को क्या दिया, क्योंकि एट दैट टाइम यूएसए वॉज द रिचेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड वॉर में सारी कंट्री जो है जिस टाइम पीरियड में लड़ाई में बिजी थी, यूएसए ही एक ऐसी कंट्री था जो वर्ल्ड वॉर यानी कि 1918 में लेट एंट्री हुई है, लेकिन उससे पहले यूएसए जो था उस टाइम पीरियड में वॉर में बिजी नहीं था, ठीक है। तो इसलिए जर्मनी को, यूएसए को इतना लॉस नहीं हुआ। तो यूएसए ने क्या किया, यूएसए स्टार्टेड गिविंग लोन टू जर्मनी, बट कंडीशंस क्या थी, एट हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट। इस लोन को, यानी कि जो जिस प्लान के अंडर इस लोन को दिया गया, उसको क्या बोलते हैं, डॉब्स प्लान, DAWES, डॉब्स प्लान, ठीक है। तो यहां तक हमने पढ़ा सारा इकोनॉमिक क्राइसिस। इसके बाद नेक्स्ट थर्ड हम पढ़ेंगे डिप्रेशन। इकोनॉमिक क्राइसिस के बाद थर्ड प्रॉब्लम क्या फेस करनी पड़ी वाइमर रिपब्लिक को, जो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी, ट्रिटी, उसके बाद इकोनॉमिक क्राइसिस। क्योंकि हम कंटिन्यू ईयर्स पढ़ रहे हैं, हमने सबका शॉर्ट में बताना है, ठीक है। थर्ड ग्रेट डिप्रेशन, इसमें आप बताओगे ईयर 1929 to 1930, ठीक है। ये पर्टिकुलर जो ईयर था, यानी कि डिप्रेशन स्टार्ट हुआ 1929, ईयर ऑफ डिप्रेशन कौन सा था, 1929, और इसका स्टार्ट आगे कंटिन्यू ईयर्स में पड़ता रहा, ठीक है। अब डिप्रेशन का मतलब क्या होता है, जब हम कहते हैं ना किसी को बिजनेस में लॉस हो गए, बिजनेस में लॉस होना मतलब, बिजनेस में लॉस होना एक ऐसी कंडीशन होती है, दोनों ही, प्रॉफिट भी होता है लॉस भी होता है। लेकिन जब लॉस बहुत ज्यादा होता है, बिजनेसमैन को लॉस होगा, कंट्रीज को लॉस होगा, और ऐसे लॉस को जब रोका नहीं जाता, जैसे हम कहते हैं ना इन्फ्लेशन को रोका नहीं जाता तो हाइपर इन्फ्लेशन बन जाता है, लॉस को नहीं रोका जाता तो वो डिप्रेशन बन जाता है। और इसमें हर सेक्टर को लॉस होता है, लेकिन मेनली किस सेक्टर को लॉस हुआ इसमें, एग्रीकल्चर सेक्टर। एग्रीकल्चर सेक्टर को लॉस क्या हुआ, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पे वीट प्राइजेस जो थे, या जो फूड ग्रेन्स या फूड क्रॉप्स के प्राइजेस थे, वो बहुत लो हो गए, ठीक है। और जैसे मैंने आपको बच्चे अभी बताया कि यूएसए स्टार्टेड गिविंग लोन्स टू ऑल द कंट्रीज दोज नीडेड मनी, लेकिन आप खुद सोचो, एक ऐसा, अगर हम फैमिली की बात करें, पर्सन की बात करें, कंट्री की बात करें, एक ऐसी कंट्री जो बिना सोचे समझे लोन देती जा रही है, उनको ये नहीं पता कि लोन वापस आएंगे भी या नहीं आएंगे, ऐसी ही गलती यूएसए ने की। इसका मतलब क्या है, चाहे हम है, चाहे एक पर्सन है, चाहे कंट्री है, चाहे गवर्नमेंट, गलतियां करके सीखते हैं। पहली गलती जर्मनी ने क्या की, दे स्टार्टेड प्रिंटिंग करेंसी एट लार्ज स्केल, वो भी एक गलती थी। सेकेंड गलती यूएसए ने क्या की, मतलब डिफीटेड कंट्रीज तो गलती करती ही है, विनर कंट्रीज भी गलती करती है। यूएसए ने गलती क्या की, दे स्टार्टेड गिविंग लोन्स टू ऑल द कंट्रीज दोज़ हू नीडेड, उन्होंने ये नहीं सोचा कि कल को अगर ये लोन नहीं दे पाएंगे तो यूएसए का क्या होगा, और यही यूएसए को पे करना पड़ा। व्हाट हैपेंड इन द यूएसए, इन द ईयर 1929 शेयर मार्केट डिक्रीज। शेयर मार्केट क्या होती है, शेयर मार्केट में जिसमें आप शेयर बाय करते हो, और अगर तो शेयर मार्केट इंक्रीज होती है तो आपके शेयर जो प्राइसेस है वो बढ़ जाते हैं,
अगर शेयर मार्केट डिक्रीज होती है तो आपके शेयर प्राइस लॉस हो जाते हैं, ठीक है। तो ऐसा ही 1929 में क्या हुआ, जब इंडस्ट्रीज इंटरनेशनल मार्केट में इंडस्ट्रीज धीरे धीरे बंद हो रही थी, क्योंकि उस टाइम पर में सभी गवर्नमेंट्स अपनी अपनी इकोनॉमी को साउंड कर रही थी, तो इंटरनेशनल मार्केट में इंडस्ट्रीज के जो शेयर मार्केट के रेट थे वो डाउन हो गए। बच्चे जब शेयर मार्केट का रेट डाउन हो जाता है ना, शेयर प्राइजेस कम हो रहे हैं, तो ऐसे में सबसे पहले लोग क्या करेंगे, उन्होंने बैंक्स में जो सेविंग की होती है ना वो निकालना शुरू कर देते। ध्यान रखो इस चीज को, जब शेयर मार्केट में लोगों को लॉस होता है ना, इट मीन्स लोगों के पास पैसा क्या हो गया, कम हो गया। अब लोग क्या करेंगे, यूएसए के लोगों ने क्या किया, उन लोगों ने यूएस बैंक्स में जो मनी डिपॉजिट करवाई हुई थी, दे स्टार्टेड टेकिंग बैक। अब यूएस बैंक्स जो है, यूएस बैंक कैसे चलते हैं, बैंक क्या करते हैं, आपने जो वहां पे मनी डिपॉजिट करवाई है उसको कुछ परसेंट अपने पास रख के आगे क्या करते हैं, लोन दे देते हैं। लेकिन अब यूएस बैंक्स को मनी चाहिए था, तो उन्होंने गवर्नमेंट को इस चीज के लिए प्रेशराइज किया कि इंटरनेशनल मार्केट में जितनी भी कंट्रीज को लोन दिया गया है उसको वापस लेना शुरू कर दो, ठीक है। तो प्रॉब्लम सबसे पहले कहाँ पे आई, शेयर मार्केट कोलैप्स, वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज, इसको याद रखो ये क्या है, वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज, दैट इज अ बिल्डिंग। जैसे बॉम्बे की है ना हमारी कंट्री की, बॉम्बे में है स्टॉक एक्सचेंज मार्केट, ऐसे ही यूएसए वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज, यूएसए शेयर मार्केट कोलैप्स। कोलैप्स का मतलब होता है क्रैश हो गया, क्रैश का मतलब होता है प्राइसेस फेल डाउन, शेयर मार्केट, शेयर मार्केट शेयर प्राइसेस जो थे दैट फेल डाउन डिक्रीज 1929। अब इससे क्या हुआ, जब कंट्री की शेयर मार्केट जो है वो डिक्रीज हो जाती है, तो नेशनल इनकम, नेशनल इनकम क्या होती है, इनकम ऑफ द पीपल, नेशनल इनकम ऑफ यूएस पीपल आल्सो डिक्रीज। डिक्रीज का साइन, डिक्रीज का मतलब है नेशनल इनकम जो है वो कम होने लगी। अब लोगों ने क्या किया, दे स्टार्टेड विथड्रॉ मनी फ्रॉम द बैंक्स, लोगों ने धीरे धीरे अपनी मनी जो है वो बैंक से विथड्रॉ करनी शुरू कर दी। और ऐसे में फिर यूएस गवर्नमेंट ने क्या किया, यूएस गवर्नमेंट गेव डेडलाइंस टू जर्मनी एंड ऑल द कंट्रीज। डेडलाइन का मतलब होता है इस डेट तक सारी की सारी जितनी भी प्रिंसिपल अमाउंट है वो पे कर दी जाए, ठीक है। और इस तरह से 1929 में यूएसए के डिप्रेशन, हम क्यों पढ़ रहे हैं डिप्रेशन, यूएसए के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं हम, तो हमने तो जर्मनी का पढ़ना है, हम इसलिए पढ़ रहे हैं कि जब यूएसए के ऊपर डिप्रेशन का इम्पैक्ट हुआ, इसका इम्पैक्ट जर्मनी पे इसलिए पड़ा क्योंकि यूएसए ने जर्मनी को लोन दिए हुए थे, एंड देन यूएसए गेव डेडलाइन टू जर्मनी टू रीपे ऑल द अमाउंट। अब क्या हुआ फिर 1930-31, यानी कि जर्मनी अब लोन जो है वो रीपे करना शुरू हो गया यूएसए को, और अब गवर्नमेंट के पास अनफ मनी नहीं थी, तो एक इंपॉर्टेंट ईयर आया 1932, जिसमें गवर्नमेंट को सारी की सारी फैक्ट्रीज या जो भी इंडस्ट्रीज थी वो बंद करनी पड़ी, एंड मैनी पीपल इन जर्मनी दे बिकेम अनएम्प्लॉयड। तो ये वर्स्ट कंडीशन थी, वर्स्ट कंडीशन मतलब हमने पढ़ा है 1923 से लेकर 1932, यानी कि ये वाइमर रिपब्लिक की प्रॉब्लम थी कि 1932 एक ऐसा ईयर था जिसमें गवर्नमेंट को फैक्ट्रीज बंद करनी पड़ी क्योंकि गवर्नमेंट के पास पैसा ही नहीं था एम्प्लॉयर्स को देने के लिए, इंडस्ट्रीज बंद हो गई, एंड मैनी पीपल दे बिकेम अनएम्प्लॉयड। जब लोग अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं, उनके पास जॉब नहीं होती, तो क्रिमिनल एक्टिविटीज करते हैं, ठीक है। और लोगों को अपना रैंक, रैंक का मतलब होता है किसी भी तरह की जॉब मिले, यानी कि अगर सपोज कोई ऑफिसर लेवल पे है उसको कोई भी जॉब नहीं मिल रही है तो वो लेबर वर्क करने को भी तैयार हो जाते हैं। ऐसी कंडीशन को क्या कहा जाता है, प्रोलीटेरियनाइजेशन, ऐसी कंडीशन जिसमें लोगों का रैंक रिड्यूस हो जाता है, यानी कि कोई भी पर्सन है उसकी क्वालिफिकेशन इंजीनियरिंग डिग्री की हुई है उसने, तो अगर उसको अपने अकॉर्डिंग जॉब नहीं मिलेगी वो लेबर वर्क करने को भी तैयार हो जाता है। तो ये कंडीशन थी उस टाइम पीरियड में जर्मनी, एंड पीपल दे बिकेम वेरी डिप्रेस्ड आल्सो, लोगों को जॉब नहीं मिल रही थी, ठीक है। एंड दिस वॉज द इफेक्ट ऑफ डिप्रेशन ड्यूरिंग 1929 और 1932, ये इंपॉर्टेंट ईयर्स आपने इसमें बताने, ठीक है। क्लियर है, एनी डाउट रिगार्डिंग ग्रेट डिप्रेशन? Dobbs plan was the plan according to which USA gave loan to Germany at high rate of interest. Dobbs plan was the plan according to which US gave loan to Germany at high rate of interest. Because at that time, the condition of Germany in international market was very worst. Okay? Any other doubt? Any other doubt, beta?
Okay, wait for 1 minute. I'm going to take your attendance. Yes, now next topic जो है इसका वाइमर रिपब्लिक का है, that is same defects of वाइमर रिपब्लिक. ठीक है, जब भी आपको प्रॉब्लम पूछी जाएंगी, प्रॉब्लम फेस बाय वाइमर रिपब्लिक, तो आपने स्टार्ट कहां से करना है, ट्रिटी ऑफ वर्सायल. फिर सेकेंड पॉइंट में आप सारा बता दोगे वॉर गिल्ट क्लॉज, नवंबर क्रिमिनल, उसको बता दोगे, क्योंकि ट्रिटी ऑफ वर्सायल आपका बहुत बड़ा पॉइंट हो जाएगा. थर्ड पॉइंट भी बना दोगे आप इकोनॉमिक क्राइसिस. फोर्थ बनाओगे डिप्रेशन और फिफ्थ बनाओगे इनहेरेंट डिफेक्ट्स या डिफेक्ट्स ऑफ वाइमर कॉन्स्टिट्यूशन. यानी कि वाइमर रिपब्लिक के कॉन्स्टिट्यूशन में ही कुछ प्रॉब्लम्स थी. कौन सी प्रॉब्लम्स? इसमें आपने दो प्रॉब्लम्स मेन याद रखो, एक तो आर्टिकल 48 सेकेंड याद रखो कोलिजन गवर्नमेंट. क्या डिफेक्ट था इसमें? आर्टिकल 48 गेव अनलिमिटेड पावर्स टू प्रेसिडेंट टू इंपोज एमरजेंसी. यानी कि प्रेसिडेंट ऑफ जर्मनी इंपोज एमरजेंसी सेवरल टाइम्स इन अ जर्मनी. और जब कंट्री में एमरजेंसी लग जाती है तो लोगों के जो सिविल राइट्स होते हैं, सिविल राइट्स वर सस्पेंडेड. तो लोगों को डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनाने का क्या फायदा हुआ? अगर मैक्सिमम टाइम एमरजेंसी लगाकर आर्टिकल 48 को मिसयूज किया गया. मिसयूज का मतलब होता है जब भी गवर्नमेंट को लगता था कि उनको प्रॉब्लम होगी या लोग जो है वो कियोस क्रिएट करेंगे, प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, तो देन प्रेसिडेंट इम्पोज आर्टिकल 48 एंड एमरजेंसी. एमरजेंसी कंडीशन में क्या होता है, लोगों के राइट्स जो है सस्पेंड कर दिए गए. जब लोगों के राइट्स सस्पेंड हो जाते हैं तो दे आर नॉट फ्री टू क्रिटिसाइज रॉन्ग पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट. तो दैट वाज अगेंस्ट द एथिक्स ऑफ डेमोक्रेसी. ठीक है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में क्या होता है, लोगों को फ्रीडम मिलती है एक्सप्रेशन की. लेकिन बार बार एमरजेंसी लगाकर आर्टिकल 48 को मिस यूज किया गया, लोगों के राइट्स, जो भी लोगों के राइट्स ये हुए थे उनको बार बार सस्पेंड कर दिया गया. देन पीपल लॉस्ट फेथ ऑन द डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. दिस वाज द रीजन व्हाई मेनी पीपल दे डोंट वांट टू कंटिन्यू दिस टाइप ऑफ गवर्नमेंट. क्योंकि उनको ये लगता था कि डेमोक्रेटिक यानी कि अपनी गवर्नमेंट को इलेक्ट करके भी लोगों की फ्रीडम या लोगों को राइट्स जो है वो नहीं दिए गए. ठीक है, क्लियर है ये? इट इज क्लियर. नाउ सेकेंड, कोलिजन गवर्नमेंट. व्हेन वाइमर रिपब्लिक वॉज फॉर्मड After First World War, immediately, at that time, King of Germany was Kaiser William. He fled from the country क्योंकि एक हारी हुई कंट्री को किंग जो है वो नहीं कंट्रोल कर सकता, that's why he fled up. And after that, monarchy government that was brought down and democratic government was you can say elected by the people. लोगों के द्वारा elect की हुई थी and proper elections हुए थे. Citizens they elected Weimar Republic. लेकिन प्रॉब्लम क्या थी एट दैट टाइम? नो मेजोरिटी पॉलिटिकल पार्टी वाज देयर, नो वन पार्टी. यानी कि एक ऐसी पार्टी नहीं थी जो जिसमें बहुत ज्यादा होल्ड हो, कंट्रोल कर सके. मैनी स्मॉल स्मॉल पार्टीज वर देयर एंड दीज पार्टीज दे फॉर्म गवर्नमेंट. क्योंकि किस नो नॉट इवन अ सिंगल पार्टी वॉज एबल टू गेट क्लियर कट मेजोरिटी. क्लियर? और जब एक पार्टी को क्लियर कट मेजोरिटी नहीं मिलती तो छोटी छोटी पार्टीज क्या करती हैं? कोलिजन गवर्नमेंट बनाती हैं, मिली जुली सरकार बनाती हैं. और ऐसे में क्या होगा, टेल मी, जब कोलिजन गवर्नमेंट होगी तो क्या होगा? डिसीजंस नहीं ले पाएंगे ना. हर पार्टी का लीडर अपने आप को बेस्ट समझेगा, हर पार्टी के मेंबर्स अपने आप को बेस्ट समझेंगे, वो एक दूसरे को क्रिटिसाइज करते रहेंगे.
एक दूसरे की गलतियां निकालते रहेंगे और अपनी ही पार्टी के लोगों के ऊपर ब्लेमिंग करते रहेंगे। ऐसे लोग जो खुद लड़ते रहेंगे वो कंट्री को क्या संभालेंगे? यही जर्मनी के साथ हुआ। ठीक है, इसमें आपने क्या बताना है? When Weimar Republic was constituted, this was formed, ठीक है, with the small political parties and thus coalition government was formed because not even a single party was able to get clear cut majority. And in that condition, ministers of this government, जो इनके ministers थे ना, उनको deputies बोलते हैं, तो यहाँ के ministers, deputies. और parliament, parliament का नाम क्या है? Reichstag. पार्लियामेंट क्या है? राइक्सटैग। राइक्सटैग के जो मिनिस्टर्स हम कहते हैं ना, हमारे लोकसभा राज्यसभा के एमपीज, ऐसे ही डेप्यूटीज ऑफ राइक्सटैग। ठीक है, तो डेप्यूटीज जो थे ये भी कीप ऑन चेंजिंग। कितने बार कैबिनेट भी चेंज हुई, कैबिनेट चेंजेस मेनी टाइम। मतलब आप ये सोचो कि 1918 से लेकर 1932 तक 20 टाइम्स कैबिनेट मिनिस्टर्स चेंज, 20 टाइम्स कैबिनेट मिनिस्टर्स चेंज। अब बार बार लीडर्स चेंज होते रहेंगे, 20 टाइम्स आप देख लो 1918 से लेकर 1932। हम एक पर्सन को 5 साल के लिए इलेक्ट करते हैं, लेकिन 20 टाइम्स आप खुद सोचो कि मिनिस्टर्स और जो डेप्यूटीज थे कितनी बार चेंज हुए होंगे। मींस एवरेज लगा लो, हर 2 ईयर्स के बाद, 3 ईयर्स के बाद चेंज हो जाते थे। अब हर पर्सन अगर बार बार चेंज होता रहेगा तो कंट्री को कौन संभालेगा? क्योंकि ऐसे में कोई एक पर्सन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार नहीं होगा। तो दिस वॉज अ रीजन, डिफेक्ट्स ऑफ वाइमर रिपब्लिक। 1, आर्टिकल 48, पीपल लॉस्ट कॉन्फिडेंस इन वाइमर रिपब्लिक, एंड 2 वॉज द कोलिजन गवर्नमेंट इन विच पीपल ऑफ कैबिनेट मिनिस्टर्स एंड डेप्यूटीज, दे कीप ऑन क्लैशिंग विद ईच अदर, एंड दैट्स व्हाई दे वर नॉट आंसरेबल। आंसरेबल का मतलब होता है वो लोगों के लिए आंसरेबल नहीं बन पाए, खुद चेंज होते रहेंगे, इनस्टेबिलिटी होगी। जब किसी कंट्री में इनस्टेबिलिटी होगी तो ऑटोमेटिकली उसके डेवलपमेंट जो है सफर करेगी, और यही जर्मनी में हुआ। क्योंकि एक कोई एक पर्टिकुलर मेजोरिटी पार्टी या एक पर्टिकुलर लीडर की एब्सेंस के कारण जर्मनी में हम ये कह सकते हैं ये सारी प्रॉब्लम्स आई। कौन कौन सी प्रॉब्लम्स? ट्रीटी ऑफ वर्साय, इकोनॉमिक क्राइसिस, डिप्रेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, दिस वॉज अ मेन प्रॉब्लम। ठीक है, तो ये सारी प्रॉब्लम्स कंबाइन क्वेश्चन जो है, दैट इज प्रॉब्लम्स, और इंडिविजुअल भी आपको कोई भी टॉपिक आ सकता है, तो यू हैव टू प्रिपेयर अकॉर्डिंग टू दैट। एनी डाउट यू कैन आस्क। हेडिंग्स याद रखो, और हेडिंग्स को ही आपने एक्सप्लेन करना। ठीक है, मोस्टली बच्चे जो है वो टेस्ट में जस्ट शॉर्ट लाइन्स लिख देते हैं, तो जब एक लॉन्ग क्वेश्चन होता है ना, 5 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन होता है, देन यू हैव टू एक्सप्लेन फर्स्ट ऑफ ऑल हेडिंग, एंड आफ्टर राइटिंग हेडिंग अंडरलाइन इट, एंड देन उस हेडिंग के बारे में 3-4 लाइंस जो है वो आपने लिखनी है, तभी आपका पूरा आंसर जो है वो कंप्लीट आंसर बनेगा। क्लियर? एनी डाउट? हाँ जी। अब हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, दैट इज राइज ऑफ हिटलर। ये था हमारा प्रॉब्लम्स। ठीक है, अब हमने इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक क्या करना है? राइज ऑफ हिटलर। इस सारे सिनेरियो के बीच हिटलर की एंट्री कैसे हुई, मतलब 1930 ऑनवर्ड। अब हमारा जो टॉपिक होगा, याद रखना, हमने इसमें ट्राई करेंगे कि हमें 1930 के बाद का बताना है, राइज ऑफ हिटलर। ठीक है, या फिर पॉपुलैरिटी ऑफ नाजिज्म, पॉपुलैरिटी ऑफ हिटलर, पॉपुलैरिटी ऑफ नाजिज्म। नाजी पार्टी कैसे पॉपुलर हुई? पॉपुलैरिटी ऑफ नाजिज्म। ठीक है, तो जब भी हमने बताना है कि हिटलर की एंट्री कैसे हुई, उससे पहले हमने कंट्री की कंडीशन बतानी है कि जब हिटलर की एंट्री हुई उससे पहले कंट्री की कंडीशन क्या क्या थी, क्या क्या कंट्री को फेस करना पड़ा, और इसमें हिटलर ने कैसे अपनी कंट्री के लोगों के मन में अपना जो है इंपॉर्टेंट पोजिशन जो है वो बनाई। इसके लिए कुछ पॉइंट्स आपने पिछले वाले टॉपिक से ही लेने हैं, उनको पहले एक्सप्लेन करना, बैकग्राउंड में जाना थोड़ा सा। सेम हम कहां से स्टार्ट करेंगे? पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी पिछले वाला टॉपिक का फर्स्ट पॉइंट आ जाएगा यहाँ पे। इसका मतलब सेम बताओगे, 20 टाइम्स गवर्नमेंट चेंज, ठीक है, वही बताओगे आप, ड्यू टू आर्टिकल 48 एमरजेंसी वॉज इम्पोज मैनी टाइम्स, तो कोलिजन गवर्नमेंट, वो सारे पॉइंट्स बता दोगे, स्मॉल पॉलिटिकल पार्टीज वर देयर, नो मेजोरिटी पार्टी,
इन एब्सेंस ऑफ एनी मेजोरिटी पार्टी एंड स्ट्रॉन्ग लीडर पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी वॉज फेस्ड इन जर्मनी एंड दिस वॉज द मेन प्रॉब्लम व्हेन हिटलर कंट्रोल द माइंड ऑफ द पीपल. ऐसे में हिटलर ने लोगों के माइंड को कंट्रोल किया बाय गिविंग मैनी काइंड ऑफ प्रोमिसेस और उनको सेफ फ्यूचर जो है उसका जो है वो इंसेंटिव देकर. तो ये हमने बताना, ठीक है. सेकेंड बताओगे ह्यूमिलिएटिंग या हार्श टर्म्स ऑफ ट्रीटी. हार्श टर्म्स ऑफ ट्रीटी, इसमें भी आपने पिछले टॉपिक को ही सारा बता देना दैट वाइमर रिपब्लिक दे हैड टू फेस दे हैड टू साइन ट्रीटी ऑफ वर्साय एंड दस दे हैड टू पे कंपनसेशन. उनको कंपनसेशन पे करना पड़ा 6 बिलियन, पिछले टॉपिक का ही बता दोगे. उसके बाद इसी में ही सारा बता दोगे इकोनॉमिक क्राइसिस. शॉर्ट में बिल्कुल एक लाइन में इकोनॉमिक क्राइसिस हुए 1923. देन इसके बाद फिर आप बता दोगे आगे आने वाले सालों में डिप्रेशन फेस करना पड़ा. कंट्री की हालत बतानी है हमने कितनी बुरी थी 1929, ठीक है. और फिर एक टाइम आया 1932 जब फैक्ट्रीज जर्मनी में क्या हो गई, बंद हो गई, ठीक है. यानी कि इस पॉइंट में 2-3 लाइंस में आपने पिछला टॉपिक जो है इसको बिल्कुल बहुत शॉर्ट में बताना है, लेकिन ये हिंट्स उसमें होने चाहिए. वी आर डूइंग राइज ऑफ हिटलर पॉपुलैरिटी, लेकिन आपने थोड़ा सा बैकग्राउंड बताना है. वो 2 पॉइंट्स में बता दो कि ये बैकग्राउंड थी, ठीक है. एक में बता दो पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी थी, सेकंड में बता दो सारे पिछले पॉइंट्स को क्लब कर दो. इसमें कौन कौन से पॉइंट्स, इकोनॉमिक क्राइसिस, हार्श ट्रीटीज, डिप्रेशन, एक एक लाइन में बता दो. इसके बाद अब हमने मेन स्ट्रेस किसके ऊपर देना है, हमने इसको ही नहीं एक्सप्लेन करना. मेन हमने बताना है राइज ऑफ हिटलर, उसमें हमने क्या बताना है, उसका बर्थ एंड पॉलिटिकल करियर. हिटलर का बर्थ और पॉलिटिकल करियर, ठीक है. थर्ड पॉलिटिकल करियर ऑफ हिटलर, ये हमने मेन बताना है. तो इसमें हम क्या बताएंगे, सबसे पहले उसका बर्थ, कौन से ईयर में बर्थ हुआ, 1889, ठीक है. क्योंकि हम हिटलर का बताएंगे तो मेन उसका सबसे पहले बताएंगे कि उसकी कंट्री कौन सी थी, ऑस्ट्रिया. देन ही शिफ्टेड, बर्थ हुआ था ऑस्ट्रिया, देन ही शिफ्टेड टू जर्मनी, क्योंकि ऑस्ट्रिया जर्मनी उस टाइम पर में कंबाइन जो है वो एरियाज थे, ठीक है. देन ही शिफ्टेड टू जर्मनी एंड एक्सट्रीम पॉवर्टी, क्योंकि हमने रीजन बताना है कि उसका जो बचपन था एक्सट्रीम पॉवर्टी जो है उसने स्पेंड किया. एंड ड्यूरिंग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में वो कहाँ था, ही वॉज अ सोल्जर, सोल्जर था, मैसेंजर, मैसेंजर था. मैसेंजर कौन होते हैं, जो आर्मी के एक बैंड से इंफॉर्मेशन या एक जो ग्रुप होता है उसकी इंफॉर्मेशन दूसरे ग्रुप्स को पहुंचाते हैं, काइंड ऑफ सोल्जर था. लेकिन मेन मैसेंजर, उसका मेन काम क्या था, मैसेजेस देना एक जगह से दूसरी जगह, ठीक है. एंड व्हेन इन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जर्मनी लॉस्ट द वॉर एंड इसका एक डीप इम्पैक्ट पड़ा ऑन द माइंड ऑफ हिटलर. आप देखो इतने कंट्री में इतने लोगों के ऊपर इम्पैक्ट पड़ा होगा, लेकिन हिटलर के ऊपर इसका इतना डीप इम्पैक्ट पड़ा कि उसकी ट्रीटीज ऑफ वर्साय की ह्यूमिलिएटिंग टर्म्स, उसको ये लगा कि वाइमर रिपब्लिक ने क्या किया, जर्मनी को इंटरनेशनल मार्केट में झुका दिया, ठीक है. एंड दैट्स व्हाई ही वांटेड टू कंट्रोल नाउ द पावरफुल पोजीशन ऑफ द कंट्री, ठीक है. तो आफ्टर वॉर, जब वॉर खत्म हो गई, ही ज्वाइंड पॉलिटिक्स. उसका मेन मोटिव क्या था, पॉलिटिकली कंट्रोल करना. उसने स्टेप बाय स्टेप जो है वो अपना, जैसे हम कहते हैं कि स्टेप बाय स्टेप पॉलिटिक्स में एंट्री की. पॉलिटिक्स में एंट्री की तो सबसे पहले उसने कौन सी पार्टी ज्वाइन की, उसका नाम क्या था, जर्मन वर्कर्स पार्टी, ठीक है. ही ज्वाइंड द पॉलिटिक्स बट लेटर ऑन ही रीनेम्ड दिस पार्टी, क्योंकि अब वो एक इंपॉर्टेंट पर्सन था इस पार्टी का. एंड उसकी पर्सनैलिटी और उसकी लीडरशिप क्वालिटीज को देखकर उसको मेन पार्टी का, जिसे हम कहते हैं, इंचार्ज बना दिया. और उसने क्या किया, ही रीनेम द पार्टी, आगे पार्टी के दो वर्ड्स ऐड कर दिए, क्या थे, नेशनलिस्ट सोशलिस्ट. नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी, यही पार्टी आगे जगह क्या बनी,
नाजी, इसी पार्टी को आगे जाके हिटलर ने फिर से रीनेम किया, दैट वॉज नाजी पार्टी, क्लियर। और इसके बाद जब नाजी पार्टी जो है वो लोगों के सामने इसे कहते हैं, जब इस पार्टी में लीडर जो मेन हिटलर थे उन्होंने इस पार्टी के लिए काफी जिसे हम कहते हैं प्रमोशन की, प्रमोशन का मतलब होता है लोगों को इस पार्टी के बारे में बताना, और इस तरह से ये पार्टी जो है इलेक्शंस में इनकी एंट्री हुई एंड वन विद द मैक्सिमम नंबर ऑफ वोट्स। क्लियर, नाउ टाइम इज ओवर, एनी डाउट।